पुलिस ने लगभग 2 महीने पहले सरायकेला में हुए तवरीज अंसारी के मॉब लिंचिंग मामले में सभी 11 आरोपियों पर हत्या का चार्ज हटा दिया है। ऐसे में तवरीज की पत्नी सामने आई, उन्होंने कहा कि प्रशासन आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रहा है, मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। वहीं एसपी कार्तिक ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इसमें हत्या का मामला नहीं बनता था, इसलिए गैर इरादतन हत्या का मामला बनाया गया। धारा 304 में भी धारा 302 की तरह सजा का प्रावधान है, इसमें भी उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, सिर्फ फांसी की सजा नहीं होगी। एसपी के मुताबिक पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर शक होने पर दूसरे मेडिकल बोर्ड से ओपिनियन मांगा गया, लेकिन दूसरे बोर्ड ने भी पहली रिपोर्ट को ही कन्फर्म किया। इसी आधार पर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अब मामला कोर्ट के सामने है, अगर कोर्ट फिर से घटना की जांच का आदेश देता है तो आगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने लगभग 2 महीने पहले सरायकेला में हुए तवरीज अंसारी के मॉब लिंचिंग मामले में ओवैसी ने कहा है कि तवरीज अंसारी को 7 घंटे तक न केवल पीटा गया बल्कि जबरन बुलवाया भी गया था। ओवैसी ने कहा कि यदि उसको नहीं पीटा जाता तो उसकी मौत होती क्या। उन्होंने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों को सियासी आकाओं को सहायता मिलती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आखिर क्यों अपराधियों पर धारा 302 नहीं लगाई जा सकती। ने आगे कहा कि प्रोसिक्यूशन को हुकूमत से दूर रखना बहुत आवश्यक है, भाजपा इस बात को अच्छी तरह समझ रही है। जीने का अधिकार मौलिक अधिकार है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ओवैसी ने भाजपा पर आरोप लगाया और कहा कि भाजपा की सरकार में मुसलमानों का करबला बना हुआ है। उन्होंने कहा भाजपा तो जालिम बन रही है और हर स्थान को करबला बना रही है। बता दें कि पुलिस द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि तवरीज की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, इसलिए आरोपियों पर हत्या का केस नहीं चलाया जा सकता है और मर्डर केस को ड्रॉप कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।